डायरेक्टर रिभु दासगुप्ता के डायरेक्शन में बनी फिल्म तीन आज रिलीज हो गई है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, विद्या बालन और नवाजुद्दीन सिद्दीकी मेन रोल में हैं। डायरेक्टर रिभु दासगुप्ता ने अमिताभ बच्चन के साथ टीवी शो युद्ध डायरेक्ट किया था और इसके बाद इनकी जुगलबंदी फिल्म तीन में दिखी। क्रिटिक्स ने फिल्म तीन को उम्दा बताया है। क्रिटिक्स का कहना है कि फिल्म का डायरेक्शन कमाल का है, खासतौर से कोलकाता की गलियों और चप्पे चप्पे को बखूबी दर्शाया गया। फिल्म की कहानी रहस्य से भरी हुई है, हालांकि इंटरवल से पहले का हिस्सा थोड़ा बड़ा है, लेकिन सेकेंड हाफ में कहानी में कई सारे ट्विस्ट और टर्न्स आते हैं जो एक सवाल सोचने पर आपको मजबूर करते हैं कि आखिर कातिल कौन है। इसके अलावा अगर एक्टिंग की बात करें तो अमिताभ बच्चन ने दादा के रोल में एक बार फिर से बेहतरीन किरदार निभाया है। वहीं नवाजुद्दीन सिद्दीकी का किरदार बहुत ही उम्दा है, नवाज ने इसे बेहतरीन तरीके से निभाया। विद्या बालन का छोटा लेकिन अहम किरदार है। बाकी स्टार्स ने भी अच्छा काम किया। फिल्म तीन को क्रिटिक्स ने 3 स्टार्स दिए हैं। ये तो था क्रिटिक्स रिव्यू और अब ऑडियंस रिव्यू। ऑडियंस को ये फिल्म कितनी पसंद आई, आइए जानते हैं उनके ट्वीट्स के जरिए। तीन इज सेरेब्रल चेक फॉर द इंडियन सिनेगो, टेक अ बाउ। वॉच्ड तीन एंड इट इज एन इनक्रेडिबल थ्रिलर दैट विल कीप यू ग्रिप्ड टिल द एंड, ब्रिलियंट वर्क। यू शुड हैव सीन तीन, इट्स वर्थ वॉच, अमिताभ जी फैब एक्टिंग। Saw teen just, I could see the love of your own granddaughter, Aradhya, in your eyes, in every frame, simply brilliant performance. Just saw teen, it was an awesome suspense movie. It was a privilege to see Amitabh Bachchan, Vidya Balan and Nawazuddin Siddiqui to act. Thank you, do watch teen, you won't be disappointed.